नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। नागालैंड में सुरक्षा बलों द्वारा 14 आम नागरिकों की गोलीबारी में मौत का मामला अब संसद भवन तक पहुंच गया है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ और कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष इस घटना के बाद सरकार को लगातार घेर रहा है। बता दें कि सुरक्षा बलों के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान ये घटना हुई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना गलत पहचान के कारण हुई थी। वहीं इसके बाद हुए दंगों में एक सैनिक की भी मौत हो गई है। ये पूरी घटना नागालैंड के मोह जिले की है। दरअसल पूरा मामला ये है कि शनिवार शाम कुछ कोयला खदान मजदूर एक पिकअप वैन में सवार होकर घर लौट रहे थे। सेना के जवानों को उग्रवादियों की गतिविधि की सूचना मिली थी और वो उग्रवादियों के इंतजार में मोर्चा संभाले बैठे, जिसके बाद गलत फहमी में सेना ने मजदूरों से भरी इस गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार जब मजदूर अपने घर नहीं पहुंचे तो स्थानीय लोग उनकी तलाश में निकले और घटना का पता चलते ही इन लोगों ने सेना के वाहनों को घेर लिया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की और झड़प में एक सैनिक मारा गया और सेना के वाहनों में आग लगा दी गई। इसके बाद सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में 7 और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और भड़क गए और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इस दौरान उग्र विरोध और दंगों का दौर चलता रहा। गुस्साई भीड़ ने केन्याक यूनियन और असम राइफल्स के कैंप पर धावा बोला। उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ करने लगे। कैंप के कुछ हिस्सों में आग भी लगा दी। इसके बाद बचाव में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई कार्रवाई में एक और नागरिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद मोन जिले में नागालैंड सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के साथ साथ एक साथ कई SMS करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। घटना के बाद सेना ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिकों की हत्या की उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है। सेना ने इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया है। वहीं राज्य सरकार ने भी IGP नागालैंड की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT का गठन किया है जो इस मामले की जांच करेगी। वहीं इस घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस घटना के सभी पहलुओं का जायजा लिया है।